भगवान बुद्ध की वैशाली की पावन धरती, गंगा और गंडक की गोद में बसे हाजीपुर के वासी आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं। माननीय राज्यपाल बिहार श्री रामनाथ कोविंद, माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार का भी हम स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं माननीय केंद्रीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु, माननीय केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान, माननीय केंद्रीय संचार एवं सूचना तकनीक मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौशल विकास एवं उद्यमशीलता श्री राजीव प्रताप रूड़ी, माननीय केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा, माननीय केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री गिरिराज सिंह, माननीय केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री उपेंद्र कुशवाहा, माननीय केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता राज्य मंत्री श्री रामकृपाल यादव, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, आप सभी का हम स्वागत करते हैं। स्वागत है आप सभी का और मंच पर बैठे विराजमान गणमान्य अतिथिगण का। राष्ट्र प्रेम के फूल को गौरव और गरिमा की सुगंध से भर देने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत फूलों से करने के लिए हमारा सभी नम्र आग्रह है चेयरमैन रेलवे बोर्ड श्री अशोक कुमार मित्तल से कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत फूलों से करें। हम आग्रह करते हैं चेयरमैन रेलवे बोर्ड आपसे ही कि कृपया माननीय राज्यपाल बिहार श्री रामनाथ कोविंद को फूल भेंट करें। श्री अशोक कुमार मित्तल से ही अनुरोध करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार का अभिनंदन फूल से करें। रेल धमनी है, शिराएं हैं भारत की, जिसमें राष्ट्र जीवन बहता है। और आज तो वैशाली की पावन धरा पुण्य सलिला माँ गंगा भी बहुत हर्षित है क्योंकि राष्ट्र के अभूतपूर्व विकास की नई गाथा के रचयिता माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार जन को, राष्ट्र को रेल से संबंधित तीन महत्वपूर्ण सौगातें प्रदान करने वाले हैं। गंगा नदी पर नवनिर्मित रेल सहसड़क पुल पटना के रेल भाग का राष्ट्र को समर्पण, नवनिर्मित रेल सहसड़क पुल मुंगेर रेल भाग पर साहेबपुर कमाल छोर पर मालगाड़ियों के परिचालन का शुभारंभ और मौजूदा राजेंद्र पुल मोकामा के पास अतिरिक्त रेल पुल का शिलान्यास। ये सेतु श्रृंखला और परिचालन बिहार के समृद्धि और विकास के नए रास्ते खोलेंगे। रेल सुधार और विस्तार के प्रति पूर्ण सजग माननीय केंद्रीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु से हम अनुनय करते हैं कि कृपया इस शुभ बेला में स्वागत स्वरूप अपने उद्गार व्यक्त करें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल रामनाथ कोविंद जी, सन्मान्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, रामविलास पासवान जी, रविशंकर प्रसाद जी, राधा मोहन सिंह जी, मनोज सिन्हा जी, राजीव प्रताप रूड़ी जी, रामकृपाल यादव जी, गिरिराज सिंह जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, तेजस्वी यादव जी, सुशील कुमार मोदी जी, नित्यानंद राय जी, रामकिशोर सिंह जी, प्रेम कुमार जी, उपस्थित गणमान्य प्रतिनिधिगण, रेल के अधिकारी एवं कर्मचारीगण और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानीय भाई और बहनों, आज हम सब लोग बड़ी तीन परियोजनाओं को लोकार्पण करने के लिए, देशार्पण करने के लिए और साथ ही में शिलान्यास करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। मैं सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ स्वागत करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने ऐसी परियोजनाओं की शुरुआत करने के लिए, शिलान्यास करने के लिए समय निकालकर यहाँ आने का कष्ट किया। आज रेल सह सड़क पुल पटना राष्ट्र को समर्पण किया जाएगा। इस पुल की आधारशिला दिनांक 3/2/2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा रखी गई थी। कम से कम जमीन का अधिग्रहण एवं कम से कम लोगों को विस्थापन करके इस पुल को बनाया गया है। इस पुल की कुल लागत 2921 करोड़ रुपया है। पटना में गंगा पर रूल के लिए वित्तीय 2009-10 से 13-14 तक
पिछले 5 वर्षों में मात्र 675 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई थी, जबकि वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 तक पिछले 2 वर्षों में 740 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई, जिससे यह महत्वपूर्ण योजना पूरी हो गई जो हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा हमें कहते आए हैं। इस पुल को 2 रेल लाइन बनाया गया है, अभी तत्काल में इसमें 1 रेल लाइन बनाई गई है। इसके सुपर स्ट्रक्चर में बहुत सारा सीमेंट स्टील का भी इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण और भी हमारी अर्थव्यवस्था को लाभ हुआ है। यह पुल उत्तर बिहार एवं नेपाल की उद्योगीकरण में एक दूरगामी कदम साबित होगा, क्योंकि दोनों उपभोक्ता सामग्रियों के महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र है। साथ ही में आज हम रेल सह सड़क पुल मुंगेर को भी एक साहेबपुर कुमार छोर से मालगाड़ी के परिचालन के शुभारंभ प्रधानमंत्री जी हरा झंडा दिखाकर करेंगे। इस पुल की आधारशिला 25 दिसंबर 2002 जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा उनके जन्मतिथि दिन पर कराया गया था। इस पुल के निर्माण पर भी 2774 करोड़ रुपए की लागत की गई है। मुंगेर में गंगा पर रेल पुल के लिए वित्तीय 2009-10 से 2013-14 पिछले 5 वर्षों में 579 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई थी, जबकि इतनी राशि उस 516 करोड़ सिर्फ 2 सालों में जब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बने उसके बाद में हमने की है। साथ ही में आज रेल पुल मोकामा का शिलान्यास भी किया जाएगा। मोकामा के पास गंगा नदी पर स्थित रेल सह सड़क पुल राजेंद्र पुल 1 मई 1959 में किया गया था। आपको पता है इसके बाद में यातायात बढ़ गई, आबादी बढ़ गई, लोगों की दिक्कतें भी साथ में ही बढ़ गई। इस बजट में, इस 2015-16 के बजट में हम लोगों ने इस नए रूल की स्वीकृति की गई और यह नए पुल राजेंद्र पुल के समांतर एवं पुल से 25 मीटर नदी के ऊपरी धारा को और बनाया जाएगा। इस पुल में दोहरी लाइन का प्रावधान होगा। मैं मानता हूं कि ऐसी सभी परियोजना पूरी करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने तो हमेशा इसका आग्रह किया। हमारे सभी मंत्री यहां पर मौजूद है, सुशील जी है, हमारे सभी लोगों ने भी लगातार उसके पीछे पड़कर एक योजना पूरी हो गई। इसके लिए मुझे लगता है इसके कारण लोगों को भी बहुत बड़ा फायदा होगा। रेल बजट 2016-17 में जो अभी पेश किया गया, बिहार राज्य की रेल परियोजना के लिए कुल 3,171 करोड़ रुपया दिया गया है। यह राशि इसके पिछले रेल बजट के तुलना में 29% अधिक है। और साथ ही में मैं आपको कहना चाहता हूं, और ये सुन के आप सबको खुशी होगी कि हमने 2013-14 में बिहार का बजट था रेल का 1,244 करोड़ रुपया, हमने 15-16 में 2,490 करोड़ का दिया और इस साल में 3,171 करोड़ रुपया बिहार के लिए दिया है। ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे लिए बिहार का विकास एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी विकास करने की एक चुनौती है, और उसके साथ मिलने के लिए हमने पूरी तरह से इस परियोजनाओं को शुरू करने की काम की शुरुआत की है। मैं दोबारा सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ यहाँ आने के लिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी हमेशा सहयोग रहा है, अभी भी बिहार सरकार ने भी इसके लिए जो अच्छी सहयोगता दी है उसके लिए भी उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री सुरेश प्रभु। अब हम विनम्र अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार से कि कृपया हम सबको संबोधित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री रामनाथ कोविंद जी, भारत सरकार के रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान जी, श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री राधा मोहन सिंह जी,
राजीव प्रताप रूढ़ी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, रामकृपाल यादव जी, गिरिराज सिंह जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा जी, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारे पुराने साथी बिहार विधान परिषद में विरोधी दल के नेता श्री सुशील कुमार मोदी जी, बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता श्री प्रेम कुमार जी, यहाँ उपस्थित सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री ए के मित्तल जी, अन्य सभी अधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित सभी प्रतिनिधिगण, बहनों एवं भाइयों, आज बहुत प्रसन्नता का दिन है। गंगा नदी पर दो दो रेल पुलों का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। यह बिहार के लिए, बिहारवासियों के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए वक्त निकाला, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और सबसे पहले अपनी तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से और बिहार के लोगों की तरफ से उनका मैं स्वागत करता हूं। मुझे तो यूं तो पूरे बिहार वासियों को काफी खुशी है, ये कोई मामूली बात नहीं है कि दो 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 गंगा नदी पर पुल का लोकार्पण हो रहा। आवागमन की दृष्टि से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने में और सहायक होगा, इसमें कोई शक नहीं, सबके लिए खुशी की बात, लेकिन मेरे लिए आज व्यक्तिगत संतोष का विषय। मुझे अच्छी तरह याद है कि तत्कालीन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कर कमलों के द्वारा गांधी मैदान से 3 फरवरी 2002 को ये दीघा और सोनपुर के बीच के पुल का कार्य आरंभ कराया गया था और आदरणीय अटल जी के जन्मदिन के अवसर पर 25 दिसंबर 2002 को दिल्ली से ही मुंगेर के पुल का कार्य आरंभ कराया गया था और उन दिनों अटल जी ने मुझे रेल की जिम्मेवारी दे रखी थी, इसलिए जो काम शुरू हुआ वह काम पूरा हो रहा है और राष्ट्र को लोकार्पित हो रहा है, इसलिए मेरे लिए ये परम संतोष का विषय है और इसके लिए भी मैं रेल मंत्रालय को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को का मैं अभिनंदन करता हूं। और आज जो जिस पुल का शिलान्यास हो रहा है मोकामा में, उसके लिए भी व्यक्तिगत खुशी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये जो मोकामा है, 5 बार संसद में, लोकसभा में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला, उसी मोकामा के पास राजेंद्र पुल के समानांतर एक नए पुल का शिलान्यास हो रहा है, यह भी मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है। और आप आए हैं आज के इस अवसर पर, सिवाय खुशी के और कुछ व्यक्त नहीं करना। आप जब यहाँ पर आए हैं तो निश्चित रूप से बिहार के लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
लोगों की सेवा केंद्र सरकार को भी करनी है, राज्य सरकार को भी करनी है। केंद्र और राज्य मिलकर विकास की गाड़ी को और आगे बढ़ाएंगे। आपसे पूरे सहयोग की अपेक्षा है और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि आप जब आए हैं, आपके सामने इस गांधी सेतु के जर्जर हाल का भी जिक्र हो चुका है और जहां तक मेरी थोड़ी जानकारी है, केंद्र सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है और इसके जीर्णोद्धार के लिए भी केंद्र जरूर योजना को मंजूर करेगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। और आप जब आ गए हैं तो मुझे उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई। तो इन्हीं शब्दों के साथ, चुनाव के बाद पहली बार आप यहां आए, मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि इसी तरह से बिहार की तरक्की के लिए आगे भी आपकी यात्रा होती रहे। बिहार की तरक्की के बिना देश की तरक्की संभव नहीं है और देश की तरक्की के लिए बिहार की तरक्की का होना जरूरी है और मुझे पूरा विश्वास है कि इन चीज़ों पर आपका पूरा ध्यान है। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार स्वागत करते हुए, आप सब लोगों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए, बधाई देते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार। और अब वो क्षण आ गया है जिसका इंतजार यहाँ की जनता वर्षों से कर रही है। उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार को जोड़ने की सोच अब सच से कुछ ही पलों की दूरी पर है और ऐसे पुण्य कार्य का माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा शुभारंभ ऐसा है मानो सोने पे सुहागा, जैसे मांगी गई मनोकामना या दुआ पूरी हो गई हो। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से नम्र निवेदन करते हैं कि कृपया सबसे पहले रिमोट का बटन दबाकर गंगा नदी पर नवनिर्मित रेल सह सड़क पुल पटना के रेल भाग को राष्ट्र को समर्पित करें। रेल सह सड़क पुल पटना। माननीय रिमोट का बटन दबाकर इस पुल का उद्घाटन करें। रेल सह सड़क पुल पटना। जहां रेल रोड दोनों हो, ऐसे पुल भारत में इतना बड़ा नहीं है, भारत का सबसे बड़ा पुल। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन पटना के गंगा पुल का। और माननीय प्रधानमंत्री जी, अब आपसे विनम्र अनुनय है कि कृपया स्पेशल ट्रेन 05222 सोनपुर पाटलिपुत्र को हरी झंडी दिखाकर रवाना करें। जी हाँ, और ये रेल आप सभी देख रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री जी की एक और सौगात हम सबको मिलने वाली है, एक नई रेलगाड़ी 12529 12530 पाटलिपुत्र लखनऊ सुपर फास्ट ट्रेन, जो हफ्ते में 3 दिन चलेगी और सोमवार 14 मार्च से चलना शुरू भी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और ये देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा रेल शुरू भी हो गई। पहले हर रेलगाड़ी को मोकामा से ही गुजरना होता था, अब सीधा लिंक बन गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे विनम्र अनुनय है हम रामविलास पासवान जी से अनुरोध करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को शॉल भेंट करें। हम रामविलास पासवान जी से अनुरोध करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को शॉल भेंट करें और माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा रेल सह सड़क
पुल मुंगेर का उद्घाटन किया गया और माननीय अब हरी झंडी दिखाकर मालगाड़ियों के परिचालन का शुभारंभ कर रहे हैं। यातायात के लिए ज्यादा मात्रा में माल अगर ढोना है तो रेल जैसा उपयुक्त माध्यम कोई नहीं है और अब रास्ता छोटा हो जाएगा, यातायात खर्च कम हो जाएगा, चीजें सस्ती हो जाएंगी। जल्दी ही यहाँ से यात्री रेलगाड़ियां भी चलनी शुरू हो जाएंगी और देखिए हॉर्न की आवाज, बुलंद आवाज, विकास की एक बुलंद आवाज। मोकामा से होकर गुजरने वाली बहुत सी रेलगाड़ियां अब यहां से गुजरेंगी। इस क्षेत्र का सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास अब बिल्कुल भी निश्चित है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने चमत्कारी अभियानों से देश की प्रतिष्ठा और जनजीवन को नए आयामों तक पहुंचाया है। बिहार, बिहार जनों का हर तरह से विकास हो, बिहार राज्य प्रगति की पटरी पर तेजी से आगे बढ़े, यही माननीय प्रधानमंत्री जी की अभिलाषा है। आज की ये शुभ शुरुआतें, सौगातें माननीय प्रधानमंत्री जी की बिहार जनों के प्रति अडिग आस्था और स्नेह का ही तो परिचायक है। हमारी विनम्र विनती है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि कृपया बिहार की जनता को अपना आशीर्वाद दें। मंच पर विराजमान बिहार के राज्यपाल श्रीमान रामनाथ कोविंद जी, बिहार के मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान सुरेश प्रभु जी, श्री रामविलास पासवान जी, श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्रीमान राधामोहन सिंह, श्रीमान राजीव प्रताप रूढ़ी जी, श्रीमान रामकृपाल यादव जी, श्रीमान गिरिराज सिंह, श्रीमान मनोज सिन्हा जी, श्रीमान उपेंद्र कुशवाहा जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्रीमान तेजस्वी प्रसाद यादव जी, श्री सुशील कुमार मोदी जी, डॉक्टर प्रेम कुमार जी, सांसद श्रीमान नित्यानंद राय जी और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री ए के मित्तल जी और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाइयों और बहनों, ये आपका उत्साह देख करके मैं अंदाज लगा सकता हूं कि इस ब्रिज के प्रति आप लोगों के मन में कितना महत्मय है। ये ब्रिज के कारण
न सिर्फ यातायात लेकिन यहां के आर्थिक जीवन में भी कितना बड़ा बदलाव आ सकता है इसका भली भांति अंदाज आप सबके उत्साह के कारण मैं अनुमान लगा सकता हूं। मां गंगा उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार दोनों को जोड़ती है लेकिन नागरिकों को जुड़ने के लिए व्यवस्थाएं आवश्यक होती है। अब आप कल्पना कर सकते हैं जब नीतीश जी रेल संभालते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब का ये सपना इतने सालों के बाद आज पूरा हो रहा है। अगर पिछले 10 साल में इसको अगर निगलेक्ट न किया गया होता, रूटीन बजट के हिस्से से भी अगर काम किया होता तो भी शायद 5-7 साल पहले यह काम पूरा हो गया होता। 600 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला प्रोजेक्ट विलंब होने के कारण 3000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये पैसे जनता जनार्दन के हैं लेकिन कोई न कोई ऐसे कारण आते हैं कि हमारे देश में विकास की प्रक्रिया अलग हो जाती है और बाकी प्रक्रियाएं उभर करके आ जाती हैं। पिछले 18 महीनों में इसका सबसे ज्यादा काम इतने कम समय में 18 महीनों में हुआ। करीब 34% काम जो अधूरा पड़ा था इसको पूरा किया गया और हम मानते हैं कि अगर भारत का सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, अगर भारत को आने वाले 25 साल 30 साल तक लगातार विकास की नए नए आंक पार करते जाना है वो तब तक संभव नहीं होगा जब तक हमारा पूर्वी हिंदुस्तान डेवलप नहीं होगा। चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो, नॉर्थ ईस्ट हो, उड़ीसा हो, ये सारे क्षेत्र जितने तेजी से डेवलप होंगे हिंदुस्तान उतनी ही तेजी से आगे बढ़ने वाला है। अब भारत की विकास की जो नर्व सेंटर है वो नर्व सेंटर ईस्टर्न इंडिया में है और अगर हम पूर्वी भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें शॉर्टकट के रास्ते से नहीं कर पाएंगे। अब तक हम तत्कालीन समस्याओं को स्पर्श करते गए, लोगों की तत्कालीन आवश्यकताओं को एड्रेस करते गए लेकिन अब समय की मांग है कि हम लोगों की तत्कालीन आवश्यकताओं को तो जरूर एड्रेस करें लेकिन इस पूरे क्षेत्र को
विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है तो लंबे अरसे की व्यवस्थाओं को भी विकसित करना अनिवार्य है। रेल और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि वह विकास की न सिर्फ नींव रख देते हैं लेकिन विकास को गति भी दे देते हैं। और इसलिए पिछले सरकार ने 5 साल में रेलवे के पीछे बिहार में जितना खर्चा किया उससे करीब करीब 2.5 गुना ज्यादा पिछले 1.5 साल में वर्तमान सरकार ने किया है। ये इसलिए किया है कि मैं बिल्कुल, मेरा एक कन्विक्शन है कि भारत का भाग्य बदलना है तो हमें बिहार का भाग्य पहले बदलना होगा। बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना होगा और केंद्र और राज्य मिलकर के, कंधे से कंधा मिलाकर के इस काम को करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मुख्यतः रेलवे और रोड, आज उत्तर बिहार दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले 3 प्रोजेक्ट एक साथ लोकार्पण एवं शिलान्यास हो रहा है। अब आप देखिए, एक काम तो मैं आज वो कर रहा हूं कि जहां पर पहले मोकामा दोनों तरफ डबल लाइन थी लेकिन बीच में ब्रिज ऐसा था कि वहां डबल लाइन नहीं थी, अब उसके कारण वो दोनों तरफ की डबल लाइन का जो खर्चा है उसका कोई उपयोग ही नहीं है क्योंकि वो आकर के बॉटल नेक बन जाता था। अब इस बात को हमने हाथ में लिया है और मुझे विश्वास है कि हम समय की सीमा में इसको पूरा करके देंगे और उस इलाके के विकास के लिए भी एक बहुत बड़ी गति आ जाएगी। मेरे बिहार के नौजवानों, आपको एक बहुत बड़ा तोहफा इन दिनों मिला है। 2 लोकोमोटिव्स, इसके बहुत बड़े कारखाने ये बिहार की धरती पर लग रहे हैं। 2006-07 से ये कागज पर मसला चल रहा है, भाषणों में काम आ रहा है लेकिन धरती पर कुछ हो नहीं पा रहा है। कोई टेंडर के लिए तैयार नहीं होता था। हमने कुछ इनोवेटिव चीजें की टेंडर में, हमने एक्सपोर्ट का लक्ष्य तय किया, हमने भारत की रिक्वायरमेंट का हिसाब लगा करके ऑर्डर प्लेस करने का निर्णय किया और वो ऐसी व्यूहरचना थी कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को लगा कि अब इसके अंदर हम टेंडर लेकर के जा सकते हैं और अगर मिल गया तो काम हो सकता है। उस प्रक्रिया ने रंग लाया, दुनिया की बहुत बड़ी कंपनियां आई, 40,000 करोड़ रुपयों का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन 2 जगह पर बिहार की धरती पर आने वाला है, वो हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा माना जाएगा। ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और कम समय में ये सरकार बनने के बाद 18 महीने में मिले हैं दिल्ली में, लेकिन 18 महीनों में बिहार हमारी प्राथमिकता है क्योंकि भारत का विकास करने के लिए बिहार का विकास अनिवार्य है, यह हम मानते हैं।
और इसलिए इस काम को भी अंजाम दिया गया है और उसका परिणाम भी आने वाले दिनों में मिलने वाला है। भाइयों बहनों, आज के युग में गैस पाइपलाइन गैस पाइपलाइन भी उतना ही महत्व रखती है। अगर हम गैस कनेक्टिविटी करते हैं, पाइपलाइन का खर्चा बहुत होता है, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार को गैस कनेक्टिविटी से जोड़ने की दिशा में हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, जो आने वाले दिनों में यहां के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। मेरे बिहार के प्यारे भाइयों बहनों, आपने इस बजट में देखा होगा कि हमने गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन देने का बीड़ा उठाया है। मैं जानता हूं काम कठिन है, गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले 5 करोड़ परिवारों को आने वाले 3 वर्ष के अंदर अंदर चूल्हे की जगह पर गैस का सिलेंडर मिल जाए और उन माताओं बहनों को धुएं से बचा लिया जाए, उनके आरोग्य की चिंता किया जाए, इसके लिए एक अहम जिम्मेवारी सर पर उठाई है। वैज्ञानिक कहते हैं कि चूल्हा जला करके, लकड़ी जला करके, कोयला जला करके जो मां खाना पकाती है, तो खाना पकाते पकाते जितना धुआं उसके शरीर में जाता है वो 400 सिगरेट के बराबर होता है। एक दिन में 400 सिगरेट का धुआं अगर हमारी माताओं के शरीर में जाए तो उनके शरीर का क्या हाल होगा, उनके बच्चों का क्या हाल होगा। ये मानवता का काम है और इसलिए हमने सरकार की तिजोरी से जितना खर्चा लगे लेकिन बीड़ा उठाया है कि गरीब परिवारों को अब ये चूल्हा, ये कोयला, उसका धुआं, उससे मुक्ति दिलानी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे देश में आजादी के इतने साल हो गए, अब भी गांवों में बिजली नहीं पहुंची है और बिजली पहुंचाना ये कोई लग्जरी नहीं है, बिजली ये अब जीवन का हिस्सा बन गई है, वो कोई रहीशों का खेल नहीं है, गरीबों के लिए जरूरी है। मैंने एक दिन रिव्यू लिया कि भाई क्या हाल है, मैं हैरान था, आजादी के 70 साल होने आए, 18,000 गांव ऐसे थे जहां अभी बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा। मैंने अफसरों को कहा मुझे 1,000 दिन में काम पूरा करना है, जो 70 साल में नहीं हुआ वो 1,000 दिन में पूरा करना है। बीड़ा उठाया, अभी तो 1,000 दिन पूरे होने की देर है, बहुत दिन बाकी है, लेकिन मुझे आज पता चला 6,000 से अधिक गांवों का काम पूरा हो गया, बिजली पहुंच गई। और उसका सबसे ज्यादा लाभ उत्तर प्रदेश और बिहार के गांवों को मिला है और मैं नीतीश जी का आभारी हूं कि इस काम को गति देने में उनकी राज्य सरकार तरफ से भी पूरा सहयोग मिलता रहा है और उसके कारण ये काम भारत सरकार गति से कर रही है। और मुझे तो विश्वास है अगर एक बार भारत सरकार और बिहार सरकार तय कर ले तो पूरे हिंदुस्तान में इन जो 18,000 गांवों का काम बाकी है उसमें से बिहार को सबसे पहले हम पूरा कर करके एक गौरवान्वित बिहार बना सकते हैं। और जिस तरह चला है काम,
मेरा विश्वास है कि हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चाहे बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, रेल हो, इन चीजों को सामान्य मानवीय की आवश्यकताएं हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास बिहार से बहुत बड़ी मात्रा में हमारे नौजवान हिंदुस्तान के कोने कोने में आते जाते रहते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, रोजी रोटी कमाने जाते हैं, लेकिन रेलवे में अगर जाना है तो उसका दम उखड़ जाता है। लंबी सफर की ट्रेनों में आरक्षण की सीमा रहती है। इस बार हमारे रेल मंत्री श्रीमान सुरेश प्रभु जी ने एक बड़ा अहम कदम उठाया है और मैं मानता हूं उस अहम कदम का अगर सबसे ज्यादा कोई फायदा उठाएगा तो बिहार का नौजवान उठाएगा। वह अहम कदम ये उठाया है कि लंबी सफर की जो ट्रेन है उसमें दो या चार डिब्बे ऐसे लगेंगे, दीनदयालु डिब्बे, जिसमें आप लास्ट मोमेंट भी चढ़ जाना है तो चढ़ जाओ और जहां जाना है पहुंच जाओ। ये इसलिए किया कि गरीब व्यक्ति उसको अगर दूर जाना है, बेटा अगर कहीं बिहार से बाहर काम कर रहा है, अचानक मां बीमार पड़ गई और उसको पहुंचना है तो रिजर्वेशन तो संभव नहीं होता है। ये एक ऐसी व्यवस्था रहेगी कि जिसके कारण ऐसे लोग परेशानी न भुगतें और समय पर पहुंच सके। विषयों को ऐसे लिया गया है कि जिसके कारण आज हमारे देश में एक नियो मिडिल क्लास उसका बल्क भी बहुत बढ़ रहा है, बहुत बड़ी मात्रा में मिडिल क्लास का बल्क बढ़ रहा है। वो पहले से थोड़ी प्लस सुविधा चाहता है और इसलिए हमने एक हम सफर ट्रेन शुरू करना तय किया है जिसमें तृतीय श्रेणी का एयर कंडीशन को ट्रेन रहेगी, जो सामान्य मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के लोग आर्थिक रूप से उनको लिए सुविधा रहेगी और वे अच्छी स्पीड से चल पाएगी। हमारे देश में रेल बहुत पुरानी है लेकिन रेलवे को हम अब पुरानी रहने देंगे तो रेल बोझ बन जाएगी। जिस रेल ने हिंदुस्तान को गति दी, वह रेल अगर वैसे ही पुराने हालात में रही तो वही बोझ बन के देर नहीं लगेगी और इसलिए रेल का पूरी तरह नवीनीकरण होना चाहिए। उस दिशा में सुरेश जी हमारे बड़े इनोवेटिव है, नए नए आइडिया लाते हैं, दुनिया लोगों से माथापच्ची करते रहते हैं, विदेशों से धन भी लाते हैं और मैं विश्वास से कहता हूं कि बहुत ही कम समय में पूरी रेल का कायाकल्प हो जाएगा, रेल का नवीनीकरण हो जाएगा। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो, चाहे गति का मामला हो, चाहे पैसेंजरों की क्वालिटेटिव सेवा का मसला हो, चाहे रेलवे स्टेशनों की सुविधा का मसला हो, चाहे पैसेंजर की कंप्लेंट का मुद्दा हो, चाहे डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा मोबाइल फोन से रेलवे की सेवाएं लेने की बात हो, अनेक पहलुओं पर एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में रेलवे के नवीनीकरण का काम चल रहा है। एक बीड़ा उठाया है तेजस नाम की ट्रेन। ये तेजस ट्रेन 130 की स्पीड से चलाने का इरादा है। आज हमारी ट्रेन बहुत कम स्पीड से चलती है। इतना बड़ा देश वो अब छुक-छुक गाड़ी से नहीं चल सकता है, उसको गति देने की आवश्यकता है और इसलिए एक नया कंसेप्ट प्रायोगिक रूप में ये तेजस के द्वारा तेज गति से चलाने का इरादा लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये सारी बातों से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि रेल ये सिर्फ यातायात आवागमन का साधन नहीं है, रेल
भारत के अर्थतंत्र को गति देने वाला एक गतिशील माध्यम है और उसको गति देने की दिशा में हम स्वयं सरकार को गतिशील बनाया है और यही आने वाले दिनों में परिणाम देने वाला है। आज ये जो तीनों प्रोजेक्ट प्रारंभ हुए हैं, मैं मानता हूं पटना के लिए तो ये बहुत बड़ा वरदान है। आज ऑलरेडी ट्रेनें चलना शुरू हो गया है, चाहे मुंगेर हो चाहे मोकामा हो, ये तीनों पूरे बिहार को एक प्रकार से हमें अपने आप में समाहित कर लेते हैं। इसका कितना बड़ा प्रभाव पैदा होने वाला है इसका बिहार के हर व्यक्ति को पता है। मैं आज बिहार को लाख लाख शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और रेलवे मिनिस्ट्री को भी बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। इस धरती की हवाएं भी झूम झूम कर आपका स्वागत कर रही हैं। ये कार्यक्रम आपके लिए मधुर स्मृति बन जाए इसके लिए मेरा आग्रह है चेयरमैन रेलवे बोर्ड श्री अशोक कुमार मित्तल से कि माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आज का ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी की सुखद स्मृतियों में दर्ज रहेगा, आप सबका स्नेह याद रहेगा। स्मृति चिन्ह से माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन। और अब हमारा आग्रह है माननीय केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा से कि कृपया आभार प्रकट करें। मैं अपनी ओर से और भारतीय रेल की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार करके आज यहां तीन पुलों के दो पुलों के लोकार्पण का और एक के शिलान्यास का शुभारंभ किया है। माननीय महामहिम राज्यपाल श्री रामनाथ कोविंद जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, जो इस कार्यक्रम में शरीक होकर के इस कार्यक्रम को जिन्होंने गरिमा प्रदान की। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति भी मैं अपनी ओर से और भारतीय रेल की ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे निमंत्रण पर वो इस कार्यक्रम में आए। इस क्षेत्र के सांसद और भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रामविलास पासवान जी के प्रति, आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी के प्रति, आदरणीय राधा मोहन सिंह जी के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। श्रीमान राजीव प्रताप रूड़ी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, श्री गिरिराज प्रसाद जी, श्री रामकृपाल यादव जी, श्रीमान तेजस्वी यादव जी के प्रति भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एक बात अगर मैं नहीं कहूं तो मुझे लगता है मेरी बात अधूरी रह जाएगी। श्रीमान सुशील मोदी जी पिछले 1.5 वर्षों में मुझे लगता है कि अनेक अवसरों पर जब जब वो दिल्ली आए हों या व्यक्तिगत बातचीत में, तो हर बार उन्होंने कहा कि भाई ये लोकेशन बढ़ा करके इन दोनों पुलों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री प्रेम कुमार जी के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय सुरेश प्रभाकर प्रभु जी जिनके निर्देशन में ये कार्य पूरा हुआ है, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। सभी माननीय सांसद माननीय विधायक गण के प्रति भी अपनी ओर से और भारतीय रेल की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और रेलवे के हमारे सभी अधिकारी अभियंता और रेलवे के वे हमारे कर्मचारी जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस कार्य को एक महती कार्य को पूरा किया है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को मिलाने का और दूरी को कम करने का काम किया है, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्री मनोज सिन्हा। राष्ट्र को नवजीवन देने वाले, नव चेतना से भर देने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी का बिहार की जनता की तरफ से, वैशाली की जनता की तरफ से हृदय से कोटिशह धन्यवाद। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने
अपना स्नेह लुटाया वैशाली की इस धरती पर, बिहार की इस धरती पर। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि कृपया अपने ही स्थान पर बने रहें। मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्थान करने तक आप लोग अपने ही स्थान पर रहें। बिहारवासियों, बहुत विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी को आप सभी पर। संकल्पों के साधक हो तुम, साहस भरी उड़ान हो, मुकुट तुम ही हो भारत माँ का, तुम ही हिंदुस्तान हो, महावीर हो, बुद्ध